हेलो स्टूडेंट, आपने देखना शुरू कर दिया है स्किल डायरेक्शन। आज हम पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आए हैं। ये है आईसर, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कहते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा के सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, जहाँ पर फंडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें डायरेक्ट फंड करती है। ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है। ये 6 आईसर में पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो कौन कौन से आईसर में, कहाँ कहाँ के आईसर में नोटिफिकेशन जारी हुआ है पीएचडी का, और टोटल सीट यहाँ पे 600 के प्लस भी है, तो इसी के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में बताते हैं। तो देखिए, इस लिस्ट में सबसे ऊपर है आया हो जो नया नया अभी ताज़ा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो है आईसर तिरुपति में, यहाँ पे पीएचडी से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इसी के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में बता देते हैं, उसके बाद एक एक करके सबका डिटेल्स में बताएंगे। आप वीडियो को साथ तक बने रहिए। तो ये देखिए, आईसर यहाँ पर निकला हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है पीएचडी का, और किन किन सब्जेक्ट में है। तो देखिए, पीएचडी इन फिजिक्स है, पीएचडी इन केमिस्ट्री है, पीएचडी इन बायोलॉजी है, पीएचडी इन अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस है। तो यहाँ पर तिरुपति में है आईसर तिरुपति, जिसे बोलते हैं हम, तो आईसर तिरुपति के नाम से ही जानते हैं। तो यहाँ पे निकला हुआ है, रिसर्च एरिया देख लीजिए, यहाँ पे है सॉफ्ट एंड एक्टिव मैटर एक्सपेरिमेंट है। तो अगर ज़्यादा डिटेल्स में बताने लगेंगे रिसर्च एरिया और सब कुछ, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसलिए मैं यहाँ पर चाहूँगा कि शॉर्ट शॉर्ट में बता दूँ आपको डिटेल्स में। आप वीडियो पॉज करके आपका पूरा रिसर्च एरिया देख लीजिएगा, और मैं इसमें सिर्फ आपको हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, अप्लीकेशन फ़ी कितना है, डेट लास्ट आपका कब तक का है, यही सब बताएंगे आपको, प्रोसेस क्या है। तो इसी से वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए, बने रहिए। थोड़ा बड़ा होगा, लंबा हो, लेकिन बहुत यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए, यहाँ पर लिख रहा है सिर्फ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फिजिक्स के लिए है, यहाँ पर बता दिया है। आपके पास CSIR नेट या UGC GRF इंस्पायर्ड कोई फेलोशिप होना चाहिए, इसेंशियल एलिजिबिलिटी है, और सब्जेक्ट में आपको तो 55% मार्क्स होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, मास्टर में। तो ये हो गया आपको। इसी तरह आईसर तिरुपति में दिया है, केमिस्ट्री में दे दिया है आपको, यहाँ पर ये सब्जेक्ट भी दे दिया है, रिसर्च एरिया भी दे दिया है आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, कंप्यूटर, ये है सब। ये तो मटेरियल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है। तो ये देख लीजिएगा, अपना मिनिमम क्वालिफिकेशन सेम है यहाँ पे लगभग। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे आईसर तिरुपति है, पीएचडी इन बायोलॉजी में भी निकला हुआ है जनवरी 2024 के लिए, और रिसर्च एरिया है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड सिस्टम बायोलॉजी है, बायोफिजिक्स है, कैंसर से रिलेटेड है, केमिकल बायोलॉजी है, इकोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। इसके लिए भी आपके पास नेट होना चाहिए, कोई फेलोशिप होना चाहिए, या CSIR का JRF होना चाहिए, गेट होना चाहिए आपके पास, तो अब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह यहाँ पे तिरुपति में ही आपको मैथमेटिक्स का भी निकला हुआ है, इसके लिए भी एलिजिबिलिटी दे दिया है अलग से है, यहाँ पे देख लीजिएगा। आईसर तिरुपति अर्थ क्लाइमेट साइंस है यहाँ पे, इसका भी रिसर्च एरिया दे दिया है यहाँ पे, और जनरल इंस्ट्रक्शन आपको बता देते हैं, क्योंकि ये बताना ज़रूरी होता है। अगर आप SC ST का डिग्री है तो आपको 5% का छूट मिलेगा। द कैंडिडेट है मस्ट क्वालिफाई एट लीस्ट वन ऑफ द अबव मेंशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए। कोई आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, फेलोशिप स्कोर रैंक एंड मस्ट वैलिड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग कोर्स के पास आपके पास होना चाहिए, दिया है कैंडिडेट इन द फाइनल ईयर का आपको क्वालिफाइड डिग्री होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन के बाद के जाए, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे इसको चेक कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो। एज की बात करें तो देखिए यहाँ पे प्रीफर नॉट, आपको 28 वर्ष से ज़्यादा की उम्र नहीं होना चाहिए। अगर रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, तो OBC के हैं तो आपको 3 ईयर मिलेगा, यानी कि आपको 31 साल का होना चाहिए। अगर आप SC ST PWD है तो आपको 5 ईयर्स का छूट मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये हो गया रिजर्व कैटेगरी के, मस्ट बी सबमिट, आपको सर्टिफिकेट देना होगा यहाँ पे रिलैक्सेशन लेने के लिए कैंडिडेट को, तभी आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। ये सेंट्रल का है,
तो ये सेंट्रल का आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा, नॉन क्रीमिलेयर का, चाहे SC ST PW का, डी का, ये बात आपको ध्यान रखिएगा। उसका फॉर्मेट होता है आपको एक वीडियो में मैंने बता दिया हूँ, अगर ना समझ आए तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसको ही बता दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस तो आपको बता दें कि शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट का होगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और टीयर डीए विल बी प्रोवाइड दिया जाएगा SC ST कैंडिडेट को। अगर अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है ये सब, फेलोशिप यहाँ पे मिलेगा। तो जाहिर सी बात है CSIR नेट और कोई फेलोशिप है तो आपको HRM सब कुछ मिलेगा, कंटिजेंसी। और देखिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है यहाँ पे, तो आपको बता देते हैं कि आपको जो डेट है आपको देख लीजिए, चेक कर लीजिए आपको डेट की क्या है। तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं कि आपका जो डेट है यहाँ पे, तो डेट है यहाँ पे ओपनिंग हो गया है 13 अक्टूबर से और लास्ट डेट है 12 नवंबर तक, और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हो जाएगा 25 नवंबर तक, और इंटरव्यू होगा आपको दिसंबर में, 5-10 दिसंबर तक, और जनवरी 2 जनवरी से आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका PhD का काम। अप्लीकेशन प्रोसेस आपको बता दिया है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं और वेबसाइट पर जाके पूरा देखिए। इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि अप्लीकेशन प्रोसेस हर के लिए अलग अलग है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर अप्लाई कर रहे हैं वेबसाइट पर जाके तो देख लीजिए। देखिए हर का अलग अलग अप्लाई करने के लिए, ये नहीं कि एक में जाके क्लिक करके दूसरा और उसी में अप्लाई कर लिए, हर के लिए क्राइटेरिया अलग अलग बनाया गया है। अब हम बात करते हैं दूसरे आईसर का, तो ये है आईसर ब्रह्मपुर है, ये ब्रह्मपुर में निकला हुआ है आईसर है यहाँ पे। यहाँ पे PGT का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो देख लीजिए यहाँ पे 2024 जनवरी सेशन के लिए यहाँ भी जारी हुआ है, और आईसर ब्रह्मपुर है PhD एडमिशन जनवरी एडमिटिंग द कौन सा डिपार्टमेंट है, तो देख लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे तो यहाँ पर ये है डिपार्टमेंट, फिजिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है आपको, बायोलॉजिकल साइंस है, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस है यहाँ पे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको निकल के आ रहा है कि आपको 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर CGPA में है तो देख लीजिए 10 पॉइंट स्केल में होना चाहिए, MSc टेक्नोलॉजी इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होना चाहिए इसमें एडमिशन के लिए। तो ये देख लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और दिसंबर बिफोर में आपको अप्लाई करना होगा। हाउएवर सिलेक्टेड कैंडिडेट और नेट जो ने इसके लिए एलिजिबिलिटी नेट रखा है वैलिड CSIR नेट JRF अगर है तो आप वैलिड है, BS MS ड्यूअल डिग्री ग्रेजुएशन आईसर BTech है, तो ये देख लीजिएगा। आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता देते हैं आपका, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस है जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा यहाँ पे, और TA DA पेड किया जाएगा पूरे, वही है यहाँ पे सेम कैटेगरी यहाँ भी है, SC ST को दिया जाएगा। रिजर्व विल बी अप्लाई अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार आपको दिया जाएगा। यहाँ भी इसका भी 28 वर्ष एज रखा गया है यहाँ भी देख लीजिए, और यहाँ पे लगभग 37,000 पर मंथ आपको फेलोशिप दिया जाएगा। आईसर मतलब जो इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर आपको देख लीजिए, ये आपको इम्पोर्टेंट डेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो देख लीजिए यहाँ पे अक्टूबर 5 से शुरू हो गया है और 27 अक्टूबर तक चलेगा, और रिजल्ट ऑफ इनिशिएटिव स्क्रीनिंग जो होगा आपको नवंबर में होगा, फर्स्ट वीक होगा, और टेंटेटिव इंटरव्यू आपको 3 नवंबर में आपको हो जाएगा, यानी कि वही आपको दिसंबर तक एडमिशन हो जाएंगे यहाँ पे। और इसी तरह से आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन एंड वैलिड आपको देखना है, फुल अप दी पूरा डिटेल्स दिया है, तो देख सकते हैं ईमेल द्वारा आप कोई भी जानकारी लेना है ले सकते हैं। फुल अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म यू विल सेंड द कन्फर्म ईमेल टू वेरीफाई करके आप कन्फर्म करके, ये बेसिकली कोई भी और फॉर्म भरता है तो उसको मालूम है इसका। यहाँ पे देख लीजिए वेबसाइट लिंक भी दे दी है यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिए और यहाँ से जाके भी जा सकते हैं आप फॉर्म के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सबका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। और अगला इस लिस्ट में है आपको देख सकते हैं यहाँ पे आईसर मोहाली है यहाँ पे, ये भी बहुत अच्छा है, एरिया मोहाली का पंजाब में पड़ेगा यहाँ पे, ये भी बहुत अच्छा
यहाँ का आयसर है, तो यहाँ भी अप्लाई कीजिए। और ये एकदम तुरंत निकला हुआ 11 अक्टूबर का ये अपडेट आपको हम दे रहे हैं, ये आयसर मोहाली के लिए। और पीएचडी यहाँ पर किन किन सब्जेक्ट में आया है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए पीएचडी सब्जेक्ट है वहाँ पे फिजिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है, केमिकल है, और बायोलॉजिकल साइंस है, अर्थ इन्वायरमेंट साइंस है, साइंस है, सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, यानी सोशल साइंस है, जिसके बारे में हम बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी दे दिया है, तो यहाँ पे करंट वैकेंसीज तो यहाँ पे दे दिया है, हालांकि बहुत कम आयसर में देता है वैकेंसी, लेकिन यहाँ पे दे दिया है, देख लीजिए। जनरल के लिए 53 है, और ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 27 है, एससी के लिए 11 है, और एसटी के लिए 7 है, और इस तरह ईडब्ल्यूएस के लिए 12 है, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये यहाँ पर सीट भी दे दिया है, अदर्स में नहीं दिया था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको पास फेलोशिप होना चाहिए, यूजीसी एसआईआर, यूजीसी नेट, जेआरएफ, ये सब होना चाहिए, गेट होना चाहिए कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए। और देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें कि यहाँ डिपार्टमेंट वाइज भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो जैसे बायोलॉजिकल साइंस में है तो आपको एमबीबीएस होना चाहिए, तो या गेट सीएसआईआर एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए एमबीबीएस और एकेडमिक में, तो फार्मेसी में। और देखिए यहाँ पे नेट, गेट, डीबीटी, जेआरएफ जो है होना चाहिए, केमिकल साइंस में इसी तरह सब सब्जेक्ट में दिया हुआ है, आपके लिए अलग से चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। फिजिकल साइंस में भी दिया है इसी तरह का है, आपको पास एप्लीकेशन है, बी मस्ट डिग्री, बीटेक, एमटेक होना चाहिए आपको, मैथमेटिकल साइंस में है, उसी तरह से अर्थ इन्वायरमेंट साइंस में अलग से दिया है 55% मार्क्स। तो ये रहा, और अगला है देखिए आपको हम इसको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर नहीं मालूम है कि सोशल साइंस के भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए इम्पोर्टेंट, हालांकि इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि एप्लीकेंट्स हैव बी मस्ट आपको कितना होना चाहिए, एम ए देख लीजिए, एम ए है, एम एस सी, एम फिल डिग्री होना चाहिए आपके पास, यानी कि अगर आर्ट्स विषय के हैं तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये गौर करने वाली बात है। और इसके सब्जेक्ट में देखिए इंस्ट्रक्शन स्टडी दे दिया है आपको, डेवलपमेंट स्टडी वाले भर सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाले भर सकते हैं, और इंग्लिश लिटरेचर वाले, इस तरह से सब सब्जेक्ट वाले, हिस्ट्री वाले, पॉलिटिकल साइंस वाले, इकोनॉमिक्स वाले, ये सब भर सकते हैं, और उसके पास जेआरएफ है, तो आप अप्लाई कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तब साइंस व आर्ट्स वाले, तो आपके लिए भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम है कि आयसर सोशल साइंस में भी पीएचडी कराता है। ये लोग जानते हैं कि जैसे आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, यहाँ ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि सोशल साइंस में नहीं होता है, साइंस का है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंस है। और प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप के तहत भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मोहाली के लिए जो डेट है आपको देखिए स्टार्ट जो हो गया है 11 से हो गया है, और लास्ट डेट सबमिशन है अब 29 अक्टूबर तक है, 11 से 29 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई करने का टाइम दिया गया है। आईसर मोहाली पीएचडी एडमिशन दिया गया है, सेम कैटेगरी है, यहाँ पर नियम है, जनवरी सेशन के लिए निकला हुआ है, और आपको अप्लाई करके यहाँ पर ये फॉर्म, इनकम्प्लीट फॉर्म आपको रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर जाकर देख लीजिए, अपना प्रिंट कॉपी भी आपको एप्लीकेशन को फुल फिल करके भेजना होगा। तो जैसे ही आप अप्लाई कीजिएगा वहाँ पर नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले, और यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर इसका ईमेल आईडी है, सॉरी ये है यहाँ का वेबसाइट का URL है, यहाँ से इस तरह से देख के आप क्लिक करके आप जा सकते हैं इसके वेबसाइट पर। और इसमें अगला है देखिए बहुत तरह लंबा होगा, इसको देखिएगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला है आयसर, आयसर पुणे है, यहाँ पे पीएचडी निकला हुआ है, और देखिए यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग निकला हुआ है, जैसे बायोलॉजी एडमिशन 2022 के लिए है, इसमें लास्ट डेट एप्लीकेशन आपको बताएंगे यहाँ पे, देख लीजिए आप जुड़े रहिए इसके साथ। और देखिए आयसर भोपाल के लिए है बायोलॉजी,
मैं निकला हुआ है, इकोलॉजिकल है वहाँ पे। या देखिए यहाँ पर टीचर का भी नाम दिया है किसके किसके अंडर में निकला हुआ, तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर आपको पीएचडी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर लीजिए कि सर। और सबसे बड़ी बात कि इनके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन देख लीजिए क्या है टीचर का, और उसके अनुसार कॉन्टेक्ट कीजिए सब टीचर से, बात कीजिए मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, मैं एलिजिबल हूँ, मेरे पास फेलोशिप है, और आपके पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बात कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एक पॉजिटिव जाएगा इंटरव्यू में, सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे आपके पास। इस तरह से अगर आप कीजिएगा तो यहाँ पे, और इसी तरह बायोलॉजी का पूरा डिटेल से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। यहाँ पे आयसर पुणे का जो निकला हुआ है बायोलॉजी का, यहाँ पे आपको 25 नवंबर तक लास्ट डेट है आपको अप्लाई करने का, और दिसंबर के बीच में इंटरव्यू होगा, डेट इंटरव्यू दिया हुआ है पे। डेडलाइन ऑफ अप्लीकेशन 5 नवंबर है, और इसके बीच नवंबर तक बहुत टाइम है अभी यहाँ पे, तो देख सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस होगा यहाँ पे। और इसी तरह आयसर पुणे केमिस्ट्री का भी दिया है एडवांस, इसमें एरिया में दिया हुआ है, आयसर पुणे केमिस्ट्री के मिनिमम कैटेगरी दिया है 60% मार्क्स होना चाहिए, लगभग वही है, आपके पास नेट है उसके बाद मास्टर है तो आप एलिजिबल हैं। ये अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका भी 5 नवंबर तक लास्ट डेट है अप्लीकेशन आयसर के लिए। मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। आयसर पुणे अर्थ साइंस क्लाइमेट साइंस एंड रिसर्च में एरिया में निकला हुआ है, रिसर्च एरिया आपको दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। आयसर अर्थ साइंस क्लाइमेट टेस्ट के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए, और अगर एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको छूट भी मिलेगा 5% का, और सीजीपीए में भी आपका अगर है तो 60% तक होना चाहिए, और नेट गेट आपको क्वालिफाई होना चाहिए। आयसर पुणे इसी में निकल हुआ अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस में निकला हुआ है, तो इसमें आपको पीएचडी मास्टर डिग्री होना चाहिए, आर्ट्स एंड क्लाइमेट साइंस में आपको मास्टर डिग्री किस में होना चाहिए। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको मंगाया जाता है यहाँ पे, आयसर पुणे में रिजर्व है यहाँ पे एप्लीकेशन, ये सब होगा। एडमिशन प्रोसेस सिलेक्शन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द इंटरव्यू एंड शॉर्ट लिस्ट के आधार पर इसमें होगा, और पुणे आयसर है, ये भी आयसर है, और यहाँ पे ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस में निकला हुआ है, तो देखिए मोहाली में भी है यहाँ भी है। सोशल साइंस पर मैं थोड़ा विशेष फोकस कर रहा हूँ क्योंकि सोशल साइंस वाले भी देखते हैं ज़्यादातर वीडियो, और वो उनको उनके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, साइंस वालों को तो पता ही है कि ऐसा में एडमिशन होता है। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ आइडिया, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलोसफी, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, गांधियन थॉट, जेंडर आर एंड इंडियन पॉलिटिक्स, सोशल मूवमेंट, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज है, तो सब सब्जेक्ट का दिया लगभग आपको सोशल साइंस का जितने सब्जेक्ट हैं, कल्चर है, अब मास कम्युनिकेशन के भी हैं और कल्चर स्टडी का है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सोशल साइंस में सब आ जाता है सब सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर जेआरएफ है, अगर आपको पीएचडी करना चाहते हैं, तो यहाँ से कांटेक्ट कर लीजिए टीचर से, आप बात कर लीजिए कि मैं इस सब्जेक्ट में मास्टर हूँ और मेरा नेट निकला हुआ है, जेआरएफ है, फेलोशिप है, तो क्या मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। टीचर का स्टडी एरिया देख लीजिए, रिसर्च एरिया देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कीजिए, ये बहुत अच्छा ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस के लिए हैं। आपको देखिए मार्क्स, देखिए मिनिमम मार्क्स यहाँ पर दिया है 60%, ये गौर करने वाली हुई, हालाँकि आजकल 60% बहुत लड़के ला देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो 60% मार्क्स होना चाहिए। 55% आपका एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, छूट है 5% और एमए होना चाहिए, एमएससी बीएससी ये सब सब होना चाहिए आपके पास, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए ह्यूमैनिटी साइंस के लिए दिया हुआ है, तब मई में निकला हुआ है, 31 मई तक है, तो हालांकि ये अलग से निकला हुआ है, डेट तो टू बी अनाउंस, और मई दी एप्लीकेशन क्लोज 31 मई का हो गया है लगता है कि, हालांकि डेट बढ़ा हुआ है इसका मैं पुराना लिया हूँ, तो इसके बाद जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर आपको होगा, तो उसके अनुसार इंटरव्यू और क्या और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट के आधार पे इसमें भी होगा, रिसर्च एरिया आपको वो देख लीजिए, और मैथमेटिक्स का इसी तरह से है आपको, और 5 नवंबर है, लगता है कि हमसे प्रिंट में कर दिया क्योंकि यहाँ भी 5 नवंबर ही दिया हुआ है, और एडमिशन प्रोसेस है, और इस तरह से पुणे ये भी हो गया,
और आईसर पुणे फिजिक्स है, यहाँ पे एडमिशन 2024 के लिए है, यहाँ भी 5 नवंबर है, यहाँ पे शॉर्ट में देख लीजिए यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे आईसर पुणे पीएचडी प्रोग्राम निकला है, डिपार्टमेंट ऑफरिंग, यहाँ पे शॉर्ट में देख लीजिए यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफरिंग आईसर बायोलॉजी केमिस्ट्री अर्थ साइंस क्लाइमेट चेंज मैथमेटिक्स डाटा साइंस ह्यूमनिटी एंड सोशल साइंस फिजिक्स डिपार्टमेंट टेकिंग एडमिशन 2024 के लिए बायोलॉजी, और क्राइटेरिया दिया है यहाँ पे, यहाँ पे 5 अब स्तर दिया हुआ, इसी तरह पूर्ण केमिस्ट्री का दिया हुआ है, तो ये देख सकते हैं हर का अलग अलग दिया है, मैंने इसको शॉर्ट करके बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, तो ये देख लीजिए आप। और इसी तरह से डाटा साइंस को मैंने दे दिया यहाँ पे हैं, ये है आईसर भोपाल जहाँ पे पीएचडी से रिलेटेड अपडेट आया है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो इसी के बारे में आपको हम पूरा डिटेल से बताएंगे, आप वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए यहाँ पर पीएचडी है, यहाँ पे हर तरह के निकले हुए हैं, लेकिन पीएचडी यहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी है और पीएचडी है, लेकिन हम और इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भी पीएचडी निकला हुआ है, तो लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ आपको पीएचडी के बारे में बता रहे हैं, बाद में हम इंटीग्रेटेड पीएचडी के बारे में बताएंगे। तो ये एप्लीकेशन आमंत्रित करता है, इनवाइट करता है फॉर इंडियन भारतीय को 24 जनवरी तक का है, एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर द सेमेस्टर कंसर्निंग फ्रॉम जनवरी 2024 के लिए यहाँ पर निकला हुआ है फ्रॉम, और जो सब्जेक्ट है वो नेचुरल साइंस स्ट्रीम है, बायोलॉजी साइंस केमिस्ट्री अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस मैथमेटिक्स और फिजिक्स है, इंजीनियरिंग में है आप, इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जो है केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है एंड कंप्यूटर साइंस एंड डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस स्ट्रीम में देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स होना चाहिए, इकोनॉमिक्स साइंस लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, ह्यूमैनिटीज में होना चाहिए, सोशल साइंस इंक्लूडिंग इसमें क्या होना चाहिए, सोशल साइंस में इंग्लिश होना चाहिए, सोशोलॉजी होना चाहिए, सोशल एंथ्रोपोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, स्टडी एंड फिलोसफी, तो ये बहुत बड़ा ब्रॉड यहाँ पे है ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट का, यहाँ पे देख सकते हैं। और जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी और बैचलर डिग्री, यहाँ पर मास्टर और इक्विवेलेंट डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और में होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होना चाहिए, मास्टर और इक्विवेलेंट डिग्री इन साइंस होना चाहिए, मास्टर और इक्विवेलेंट डिग्री इन आर्ट्स में भी है, कॉमर्स एंड एलाइड सब्जेक्ट में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, सोशोलॉजी में है, ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस के लिए दिया हुआ है, और फॉर क्वालिफाइंग डिग्री लिस्ट अंडर द ये 2, 3 और 4 कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो फुलफिल अबव एनी फ्लोइंग द क्राइटेरिया, आपको होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, तो वैलिड गेट का स्कोर होना चाहिए, यहाँ पे सिलेक्ट थ्रू द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट होना चाहिए, वो भी कौन सा CSIR का होना चाहिए, लेक्चरशिप जो होता है नेट होना चाहिए, GRF या नेट होना चाहिए आपको, यह है, और UGC IIT ICSE का कोई एग्जामिनेशनल है कंडक्ट हुआ है MHRD एजेंसी द्वारा वो है तो भी चलेगा, सिलेक्टेड प्रोविजनली फॉर द DST इंस्पायर्ड जो है फेलोशिप प्रोविजनल अवार्ड लेटर आपके पास होना चाहिए, थ्रो BTech फ्रॉम IIT BSMS और आईसर विथ CGPA आपको 8 पॉइंट होना चाहिए और 10 पॉइंट स्केल में होना चाहिए है, और एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया हुआ है आपको पास मिनिमम 60% होना चाहिए, एसक्यूएल पॉइंट CGPA में जो होता है 10 CGPA में जो होता है, रिलैक्सेशन 10 मार्क्स को आपको दिया जाएगा, इक्विवेलेंट रिलेशन है रिलैक्सेशन ऑफ ग्रेड बी दिया है अलाउड टू कैंडिडेट जो OBC नॉन क्लीमियर SC PWD और EWS है उनके लिए दिया है, ये आपको छूट मिलेगा, ओनली मार्क परसेंटेज विल भी कंसिडर किया जाएगा, ओनली ग्रेड ग्रेड आपका कंसिडर किया जाएगा, पूरा यहाँ पर दिया है डिटेल्स में, तो ये कोई नॉट बिग डील, इसका ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताएंगे, देखिए यहाँ पे होता है कि मोर देन प्रेफरेबली नॉट मोर देन 28 वर्ष का आपको नहीं होना चाहिए, अगर आप SC ST OBC और PD कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा अपर एज में, और फेलोशिप में दिया है आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको GRF एज पर फंडिंग जो मिलेगा उसका अनुसार मिलेगा, आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी यहाँ पे दे दिया गया है, तो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू होगा एंड कम्युनिकेशन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट में भी मेल द सेम अवेलेबल द इंस्टीट्यूशन वेबसाइट पर आपको डाल दिया जाएगा और मेल भी किया जाएगा, और नॉट TA विल बी पेड टू SC ST कैंडिडेट को दिया जाएगा, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे SC ST कैंडिडेट को TA दिया जाएगा इंटरव्यू में अपियर होने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार,
और देखिए इंपॉर्टेंस नोट आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑल कम्युनिकेशन आप ईमेल द्वारा होगा यहाँ पर, काइंडली चेक द वेबसाइट पर, आप हमेशा हर चीज़ को चेक करते रहना चाहिए। और कैंडिडेट को फाइनल में सिलेक्शन होगा, उसका जो पूरा प्रोसीजर है उसके बारे में बताया गया है, और रिलैक्सेशन मिलेगा एस सी एस टी कैंडिडेट को भी यहाँ पर दिया गया है। आप लाइफ डज नॉट ऑटोमेटिकली जेनरेट द कैंडिडेट द शॉर्ट लिस्ट और इंटरव्यू के लिए, ये बहुत अच्छा बात है यहाँ पे दिया है। ऑटोमेटिकली जेनरेट अकेडमिक परफॉर्मेंस के अनुसार आपका ऑटोमेटिकली शॉर्ट लिस्ट के लिए आप जेनरेट हो जाइएगा। स्टूडेंट शॉर्ट रिजल्ट द सी एस आई आर राजीव गांधी फेलोशिप एनी अदर इक्विवेलेंट फेलोशिप अवार्डेड भी ऑल्सो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई फेलोशिप है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट जो होगा आपका दिया हुआ है, रिजल्ट आपको लास्ट डेट ऑल एप्लीकेशन स्क्रीन ऑफ द लिस्ट कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट द अवेलेबल और द इंस्टीट्यूशन वेबसाइट पर सब अवेलेबल हो जाएगा, आप वेबसाइट से देख सकते हैं। और इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन एलिजिबल क्राइटेरिया द एप्लीकेशन मस्ट ऑल बी सेटिस्फाई बाई क्राइटेरिया, स्पेसिफिक दिया हुआ है, डिपार्टमेंट वाइज दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए डिपार्टमेंट में। देखिए सब इसको छोटा कर दे रहे हैं, देखिए डिपार्टमेंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ रिसर्च एरिया में दिया है, आप इसको ओपन करके देख भी सकते हैं कि आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन सा एरिया है जहाँ से आप पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ओपन करके दिखा देता हूँ कि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक कर देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो भी एडमिशन क्राइटेरिया है वो खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए 24 डिपार्टमेंट फिलोसफी के लिए भी इसमें दिया रहेगा कि दिया हुआ है कि जैसे ही यहाँ पे इस पर ओपन कीजिएगा तो यही खुल कर आएगा। यहाँ पर देख लीजिए ह्यूमैनिटी सोशल साइंस का डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस फॉर एडमिशन 2023-24 के लिए। तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा, इम्पोर्टेंट डेट है जो इम्पोर्टेंट डेट 16 अक्टूबर तक आप फॉर्म लास्ट डेट अप्लाई कर सकते हैं। कंटेक्ट आप कर सकते हैं ईमेल द्वारा, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप ईमेल द्वारा डिपार्टमेंट से कंटेक्ट कर सकते हैं। तो यही सब दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं पूरा। तो ये रहा पीएचडी से रिलेटेड अपडेट। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी के बारे में देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी आईसर भोपाल इंटीग्रेटेड पीएचडी मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड फॉर ब्राइट स्टूडेंट के लिए किया जाता है, यहाँ पे आमंत्रित करता है दो ही सब्जेक्ट में। यहाँ पे देखिए सबमिशन कर सकते हैं, इसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, और सब्जेक्ट एरिया दिया है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ पे लागू होगा। यहाँ पे फेलोशिप मिलेगा आपको, 10,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेटेड में लिए, तो बहुत अच्छा है। अगर आप फिजिक्स और मैथ में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्या है ये है आईसर कोलकाता, जहाँ पे स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए 2024 के लिए पीएचडी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो इसी के बारे में आपको हम पूरा डिटेल्स में बताएंगे, मेरे साथ बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखिए है ये 26 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसे हम आईसर कहते हैं। हर स्टेट में एक आईसर है, लगभग हर स्टेट में एक आईसर है, ये कोलकाता का आईसर है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे पीएचडी स्प्रिंग सेशन के लिए सेमेस्टर के लिए आमंत्रित करता है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे फेलोशिप भी मिलेगा आपको, अभी बताएंगे कितना फेलोशिप मिलेगा, आप वीडियो के साथ बने रहिए। अभी बताते हैं कि किस सब्जेक्ट में किस एरिया में पीएचडी का आया है फॉर्म। तो देखिए है बायोलॉजिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है, और अर्थ साइंस है, और मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स इन में आया है, और एलिजिबल कैंडिडेट के लिए ए पीएचडी है। आप इन एलिजिबिलिटी जाके भी देख सकते हैं वेबसाइट पर, वहाँ पे सब अवेलेबल है। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो देखिए आपको अप्लीकेशन 22 सितंबर से शुरू हो गया है और 19 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो अप्लाई करने के बाद आपको वहाँ से पब्लिकेशन किया जाएगा शॉर्ट लिस्ट, जो आप उसके बाद आप रिटेन और इंटरव्यू में शामिल होंगे, जो 31 अक्टूबर 2023 को होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, योग्यता मिनिमम योग्यता क्या है, तो वो डिपार्टमेंटल वाइज अलग अलग है, लेकिन बेसिक आपको बता देते हैं कि बेसिक आपके लिए योग्यता क्या है। तो आपके लिए बेसिक है कि आपको मिनिमम एमएससी में, मिनिमम एग्जाम में मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपको मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। और एस टी है तो आपको छूट मिलेगा नियमानुसार, यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पे है। और इसके बाद आपके पास एक एडिशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो
एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके पास कम से कम गेट स्कोर होना चाहिए, CSIR, UGC, नेट, LS का जो होता है वो होना चाहिए आपका, और या अदर इक्विवेलेंट नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जाम के लेवल का आपका होना चाहिए, या इसके अलावा आपको पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट मस्ट होना चाहिए आपको, CSIR जो आता है UGC का, उसका JRF होना चाहिए, नेट होना चाहिए, या कोई इंस्पायर्ड जो फेलोशिप है INSPIRE, ये फेलोशिप आप पर है तो आप इक्विवेलेंट है अप्लाई करने के लिए, और डिटेल्स जानकारी आपको मिलेगा वेबसाइट पर, और डिपार्टमेंटल वाइज जाके आप देख भी सकते हैं कि आपका क्या है वहाँ पे डिटेल्स, ये सब्जेक्ट वाइज आपका क्लिक करके देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना है और मैथमेटिक्स में क्या है और सब्जेक्ट में क्या है, पूरा वहाँ पर डिटेल्स दिया है। ये आपको हम इन्फॉर्मेटिव बताए हैं कि आपको ये होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा आपका, और पब्लिकेशन होगा 11/12/2023 को, आपका प्री रजिस्ट्रेशन 12 में, और लास्ट आपको दिसंबर तक ये पूरा एडमिशन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपका एडमिशन आपका क्लास शुरू चलने लगेगा। ये रहा, और आपको हम फेलोशिप की बात करें तो यहाँ पे आपको फेलोशिप दिया जाएगा लगभग 31,000 रुपया तक मिलेगा, यहाँ पे आप 31,000 रुपया आपको फेलोशिप दिए जाएंगे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, बहुत अपॉर्चुनिटी है PhD करने वालों के लिए, तो यहाँ पे जाइए और अप्लाई कीजिए, और यहाँ पे कोई भी है यहाँ पे इंक्वायरी में आप पूछ सकते हैं, आपको हर जानकारी दिया जाएगा यहाँ पे, आपको मिलेगा हर जानकारी। तो ये रहा PhD से रिलेटेड अपडेट, ये मैंने यहाँ पे कवर किया, तिरुपति आयसर तिरुपति कवर किया, ब्रह्मपुर कवर किया, आयसर ब्रह्मपुर मोहाली, आयसर मोहाली को कवर किया, भोपाल किया, और कोलकाता, ये छः मैंने यहाँ पर एडमिशन दिखाए के बारे में बताया यहाँ पर निकला हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर सोशल साइंस स्टूडेंट के लिए भी निकला हुआ है जो बहुत कम जानते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सोशल साइंस वाले स्टूडेंट के पास ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन का कंपटीशन कम हो जाता है, ज़्यादातर सोशल साइंस के स्टूडेंट या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की में ही फॉर्म अप्लाई करते हैं, इधर बहुत कम स्टूडेंट हैं जो पार्टिकुलर गांव में और रहने वाले स्टूडेंट हैं, इंटरियर एरिया में रहने वाले हैं तो वो अप्लाई करते हैं, इसलिए आप उन लोगों तक ये खबर मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए किसी तरह ताकि उसको पहुँच जाए, आपका दोस्त को या फ्रेंड या ब्रदर्स या सिस्टर हैं तो उसको तक बात पहुँचाइए और ताकि वो अप्लाई करें। थैंक यू वॉचिंग स्किल डायरेक्शन, और मेरे ओर से एक बार फिर आपका बेस्ट ऑफ लक है, और आप अप्लाई कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप एक मैसेज भी कर सकते हैं कि सर मैं आपके वीडियो देखने के बाद मैंने फॉर्म अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। थैंक यू वॉचिंग स्किल डायरेक्शन।